स्पेशलिटी। हर जगह हर इंसान की कोई ना कोई स्पेशलिटी जरूर होती है। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में देखा था कि कुछ लोगों की ऐसी स्पेशलिटी थी कि सुल्तान कौशल दुनिया के सबसे लंबे इंसान हैं, और जैसे कि अरुण राय कुमार को शरीर मैग्नेट की तरह मेटल को अट्रैक्ट कर लेता है, वैसे ही आज हम इंडिया की शान, वन ऑफ द सेवन वंडर्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आगरा के मशहूर पेठों की नहीं, द आर्किटेक्चरल सिंबल ताजमहल के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शाहजहां ने ताजमहल को 1632 से 53 के बीच में 32 मिलियन रुपए की लागत से बनवाया था, वो भी अपनी बीवी मुमताज महल की याद में। अगर आज के ज़माने में हम देखा जाए तो ताजमहल की लागत कम से कम 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा आएगा अगर कोई बनवाना चाहे तो। हम सब ये तो जानते ही हैं कि ताजमहल की शान की एक वजह उस पर लगा फेमस राजस्थानी मकराना मार्बल है, पर क्या आप ये जानते हैं कि ताजमहल पे करीब 28 से ज़्यादा तरीके के बेशकीमती पत्थर लगे हुए हैं जो कि टिबेट, चाइना, श्रीलंका और भारत के कई अलग अलग हिस्सों से आए थे, और वो भी ये ताजमहल की ब्यूटी पे 4 चांद लगा देते हैं। दोस्तों, अगर ताजमहल को ध्यान से देखा जाए तो उसके चारों तरफ लगे हुए पिलर्स कभी भी 90 डिग्री की सीध पे नहीं होते, वो हल्के से बाहर झुके हुए होते हैं ताकि अगर कोई भूकंप या अर्थक्वेक आए तो वो वहां से बाहर की तरफ गिर जाए और मेन गुंबद को कुछ ना हो। दोस्तों, ताजमहल की ये खौफनाक बात तो आप सबने सुनी होगी कि ताजमहल बनाने के बाद इसके कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, तो मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल ही झूठ है और गलत है, क्योंकि इसके आर्किटेक्ट जो कि उस्ताद अहमद लाहौरी साहब थे, उन्होंने ही आगरा फोर्ट की भी नींव रखी थी। मुमताज महल के बदलते हुए मूड्स को काफी सुंदर तरीके से ताजमहल के बदलते हुए रंगों में दिखाया गया है। ये सुबह हल्का गुलाबी, शाम को दूध सा सफेद और रात को एकदम सुनहरा पीला हो जाता है। कुतुब मीनार, जिसकी शान ही उसकी ऊंचाई है, उसका कद भी ताजमहल से कुछ छोटा ही रह गया। सर्च के अकॉर्डिंग कुतुब मीनार और ताजमहल की हाइट 73 मीटर यानी कि 24 फुट है, लेकिन इसमें से ताजमहल 5 फुट लंबा है कुतुब मीनार। मुमताज महल जिनकी याद में ताजमहल बना है, वो ताजमहल उनकी तीसरी कब्र है। इससे पहले भी उनकी कब्र 2 बार दफनाई जा चुकी है। भारत की शान ताजमहल किसी भी भारतीय ने नहीं बनाया है, बल्कि सबके जाने माने इंडियन आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी साहब असल में इंडियन आर्किटेक्ट नहीं थे, वो बल्कि ईरानी आर्किटेक्ट थे और धर्म से भी वो पारसी थे। इस्लामिक आर्किटेक्चर को बहुत ही सुंदर तरीके से ताजमहल के अंदर दिखाया है, जो कि इसके हम कर्स्ट आर्च, इसके बहुत ही सारे बागान जिसमें 60 से ज़्यादा तरीके के फूलों के बेड्स बने हुए हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा मुस्लिम इन्फ्लुएंस जो आप देख सकते हो वो है इस पे लिखे हुए अल्लाह के 99 नाम। पर यह सुंदरता बहुत लंबे समय तक नहीं रही, क्योंकि जब भारत पे ब्रिटिशर्स की हुकूमत हुई तो उस हुकूमत के अंदर ताजमहल की हरियाली को काफ़ी हद तक एक ब्रिटिश गार्डन की तरह शक्ल दे दी गई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो ताजमहल की वर्ल्ड फेमस फोटो है वो असल में इसकी बैक साइड की है। जो इसका इंटेंडेड फ्रंट साइड होना चाहता था वो था, उसका रिपोटेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन समय और टेक्नोलॉजी के जैसे ही बढ़ा वैसे ही वहाँ पर रिवर से जाना आना कम हुआ और सड़कों पर जाना आना ज़्यादा शुरू हो गया, और उसका जो फ्रंट साइड है वो बैक की जगह स्वैप हो गया। दोस्तों, ताजमहल और आगरा फोर्ट दोनों ही एक ही आर्किटेक्ट की क्रिएशन है, और उस आर्किटेक्ट ने अपने दोनों क्रिएशंस को बहुत ही सुंदर तरीके से लिंक करा है, वो भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन के थ्रू। अब वो इल्यूजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप आगरा फोर्ट की बैल्कनी में खड़े होंगे तो वहाँ से जब आप ताजमहल देखोगे तो वो बहुत छोटा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस बैल्कनी से दूर होते हुए पीछे जाओगे और गेट के पार होने लगोगे, वैसे ही ताजमहल आपको बहुत ज़्यादा जूम्ड इन और बड़ा होता लगेगा। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये सारे फैक्ट्स? अगर आपको ये सारे फैक्ट्स पसंद आए और ऐसे ही आप बहुत सारे एज एन आर्किटेक्ट और मेडिकल फैक्ट्स सुनना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें बताइए हम अगली वीडियो किस मॉन्यूमेंट पर बनाएं।